नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा भरेंगे और एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही है। चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जब जनवरी फरवरी में हो रहा था, तब हम लोगों ने ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आगे करने के लिए धरना प्रदर्शन किया था और एग्ज़ाम आगे हो गया। और दोस्तों, तब आरपीएससी का अध्यक्ष दीपक उत्प्रेति था, वो एग्ज़ाम करवा रहा था, लेकिन अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपने देखा होगा, आरपीएससी ने अभी पीछे कैलेंडर जारी किया 2-3 दिन पहले, तो उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट नहीं दी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्या एग्ज़ाम दिसंबर में होगा? तो दोस्तों, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्ज़ाम अब जुलाई में तो होगा नहीं, ये कन्फर्म है, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे कभी भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम फॉर्म क्या दोबारा भरेंगे? बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों, 99% चांस है कि एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो अब योग्य हो जाएंगे, यानी जिनकी एम ए प्री अब क्लियर हो जाएगी, एग्ज़ाम हो चुके हैं, मान के चलो हो रहे हैं या हो जाएंगे, मई तक एग्ज़ाम कम्प्लीट हो जाएंगे, तो वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के योग्य हो जाएंगे। और जो योग्य हो जाते हैं वो फॉर्म भरवाने के लिए कोर्ट भी चले जाते हैं, आपको पता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म में वो पूरे चांस है कि दोबारा भरेंगे। एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है। एग्ज़ाम अक्टूबर में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है और दिसंबर में भी हो सकता है। फॉर्म भरने वाली बात ठीक है, फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट थी।